हरियाणा के रेवाड़ी में गुरुवार की देर रात नागरिक अस्पताल में आग लग गई। आग बच्चों के वार्ड में बनाए गए आईसीयू में एसी का ब्लोअर फटने से लगी। हालांकि अभी आग के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद आनन फानन में नागरिक अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। मौके के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित नागरिक अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर जच्चा बच्चा वार्ड बना हुआ है। इसके साथ ही नवजात बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड भी बना हुआ है। बताया जाता है कि देर रात आईसीयू वार्ड में लगे एक एसी का ब्लोअर फट गया, जिसकी वजह से वार्ड में आग लग गई। आग का धुआं आईसीयू वार्ड ही नहीं बल्कि जनरल शिशु वार्ड तक पहुंच गया। वहीं धुएं की वजह से दम घुटने पर लोग आनन फानन में बाहर निकले और उसके बाद इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ दमकल विभाग को भी दे दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से शहर के विभिन्न अस्पतालों में उन्हें पहुंचाया गया। इससे पहले दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की असल वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नागरिक अस्पताल में यह आग करीब 10:45 बजे लगी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा को निकालने के लिए कई एम्बुलेंस बुलाई गई। इस बीच अस्पताल में भर्ती तीमारदारों को बचाने के लिए लोग चीखते हुए भी नजर आए। हालांकि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते लोगों को वार्ड से बाहर निकालने पर सबकी जान बच गई है। भाई साहब सबके साथ है, हमारे के साथ है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।